वोट किया, क्या क्या किस तरह की गवर्नमेंट ये आई थिंक यू नो आजकल जो हो रहा है कि कोई बोल रहा है कि इसको वोट करो, कोई बोल रहा है इसको करो, हम लोग को सब पता है किसको वोट देना चाहिए किसको वोट नहीं देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम है वोट देना चाहिए। आज हम हमारे पोलिंग बूथ में गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, दूसरे में ज़्यादा थी। सो आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी टू कम आउट एंड वोट। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको दो उसको दो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू कम एंड एक्सरसाइज योर राइट। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या होता है ना, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होता है, इंस्टाग्राम पे ट्रोलिंग होता है, सब बोलते हैं कि इसको ये वो ज़्यादातर जो ट्रोलिंग करते हैं वो आते भी नहीं है, आज छुट्टी मना रहे होंगे लंबे वीकेंड के लिए। सो दैट इज़ नॉट राइट। आई थिंक दैट एवरीबडी शुड कम आउट एंड वोट। हाँ सर, अपकमिंग गवर्नमेंट क्या जहन में रखे? देखो वोट मैंने जिस तरीके से किया है, मैं चाहता हूँ कि मैंने वोट किया है और लोगों ने भी वोट किया है। अब जो मेजॉरिटी होगी वो जीतेंगे और जो भी होंगे वी विल एक्सेप्ट दैट। एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव द राइट टू कंप्लेन। इफ़ यू डोंट वोट यू डोंट हैव द राइट टू कंप्लेन। इफ़ आई वोटेड आई हैव द राइट टू कंप्लेन एंड आई होप दैट अ गुड गवर्नमेंट कम, व्होएवर कम्स वी विल सपोर्ट देम। ओके मैम बताइए भी इशू क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इशू है क्या आपके दिमाग में रहेगा जब वोट देने जाइएगा आप यहां पे? सबको वोट देना चाहिए देश के लिए। देश बदल रहा है, देश के भविष्य के लिए, देश का सम्मान के लिए, जो देश में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनका साथ देना पूरा देशवासियों का फर्ज है। तो इस बार मौका मुंबई हमारा देश, मतलब देश में मुंबई भी है ना, तो मुंबई इज ऑल्सो। आप सब भी जाके वोट करो। मुंबई में काफी प्रॉब्लम से काफी दिक्कतें रहती हैं बरसात के वक्त में, क्या वो सब ठीक हो जाए? सब चलो बात हो गए, बात हो गए, चलो चलो बात हो गए।